घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक है। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। कैसे जगपति बाबू बने हीरो से विलेन, राजा मनार पर क्यों है सबकी नजरें? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं प्रभास, इन दिनों शूटिंग के कुछ आखिरी हिस्सों से व्यस्त है। चारों तरफ से प्रभास प्रभास और प्रभास ही नजर आ रहे हैं। इनकी एक फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद दूसरी फिल्म का ऐलान हो जाता है जिसे ढेर सारे व्यूज मिलते हैं। क्या प्रभास को पता भी होगा उनके फैंस कितने दीवाने हैं उनकी एक झलक देखने के लिए? जब से सालार का ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हुआ है फैंस की खुशियों का ठिकाना ही नहीं है। सालार एक एक्शन सस्पेंस फिल्म है, फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है फिल्म के ट्रेलर से ही। अब देखिए, कवर अच्छा हो तो किताब पढ़ने की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में प्रभास सालार की भूमिका निभाते नजर आएंगे। उनके साथ दिखेंगी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हसीना श्रुति हसन और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर जगपति बाबू। फिल्म में और भी कलाकार काफी अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें काफी सस्पेंस दिख रहा है। किसी से बदला लेने की जंग, उसके बीच होने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा और हंगामा और दुश्मनों से लड़ाई, ये फिल्म की खासियत होगी। कहानी को ज्यादा रिवील भी नहीं किया गया क्योंकि वही तो असली मसाला है। फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि आखिर में राजा मन्नार कौन है। आपके लिए बता दें कि राजा मन्नार का किरदार निभाने वाले हैं जगपति। जी हाँ, क्योंकि एक पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि राजा मन्नार मतलब जगपति बाबू जो फिल्म की कहानी को अलग रंग देने वाले हैं। ये फिल्म के विलन है या फिर प्रभास के पिता, इसके बारे में काफी कंफ्यूजन हो रहा है। पर शायद मेकर्स चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन ऐसे ही बना रहे ताकि दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ सके। वैसे जग्गू भाई अपने किरदार से काफी खुश हैं, पर उनके फैंस को ये जानने में काफी इंटरेस्ट है कि वो ज्यादातर फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हुए नजर क्यों आते हैं, क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे हैं कि वो कहानी के विलन हो सकते हैं। अभी तक इस बात पर कोई भी पक्की खबर नहीं आई। उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर से लेकर एक्टर का सफर शुरू किया, पर एक फिल्म में उन्होंने विलन का किरदार निभाते हुए दर्शकों के दिलों को छू लिया और जिसकी वजह से उन्हें काफी सारे विलन के ऑफर्स आने लगे। फिर एक के बाद एक वही किरदार निभाते हुए उनकी इमेज राउडी विलन की हो गई। वैसे खबरों के अनुसार प्रभास की आने वाली फिल्म राधे श्याम में वो फिर से एक बार प्रभास के साथ नजर आएंगे। तो प्रभास और उनकी टीम बॉक्स ऑफिस पर जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 14 मार्च को सिल्वर स्क्रीन पर सालार की एंट्री होने वाली है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के बारे में। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।